हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल और ईथर, हम वाला चैप्टर यूनिट अपना चल रहा था। तो लास्ट वाले के अंदर हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर के बारे में, उसकी आईपीसी के बारे में, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल फिनॉल और ईथर की हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज जो मैं नया टॉपिक जो लेके आया हूँ इसी यूनिट का, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड है। तो वन बाय वन करके मैं एक एक चीजें आपको समझाता हुआ चलता हूं, तो देखते जाना है। पहला मेथड क्या है हमारे पास में, जो पहला मेथड हम बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल से, किससे बनाएंगे, फ्रॉम हेलो एल्केन से। फ्रॉम हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से मतलब आरएक्स से अगर मुझे अल्कोहल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, वो मैं इस मेथड में बात करूंगा। तो यही मेथड मैंने हेलो एरिन वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन वाले चैप्टर के अंदर, मतलब ये जो प्रिपरेशन मेथड है ये हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी थी, यहां पर क्या हो गई, ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। कैसे वेरी करेगा बस अब देखना। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH या एक्वस NaOH की प्रेजेंस में अगर मैं करवाता हूं, ठीक है, तो क्या भार होने वाला है, Kx क्या हो जाएगा, सरभार हो जाएगा, और हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, ROH और Kx भार हो गया, ये हो गया अल्कोहल। मतलब एक तरीके से अगर कोई एग्जांपल तुम्हें दे दिया जाए और वो कहते कि प्राइमरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर बनाना है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, 1 डिग्री अगर एल्कोहल बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, एक्वस फॉर्म के अंदर बेसिक मीडियम डालना है अंडर हीटिंग कंडीशन, KCl क्या हो जाएगा, भार, और ये बन जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री एल्कोहल प्लस में KCl। तो ये था अपने पास में पहला मेथड, किसका, बुशर फ्रॉम एल्कोहल का, ठीक है, फ्रॉम हेलो एल्केन वाले का। तो ये बात किया हमने पहले मेथड की। दूसरा मेथड सुनना सर क्या है। तो पहला मेथड सिंपल सा मेथड था, कुछ स्पेशल था नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ी हुई है, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। सेकंड मेथड अपने पास में यहां पर है, वो है क्या सर, सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, क्या क्या वेरी करता है सर सेकंड मेथड। तो वो सर सेकंड मेथड हमारे पास में फ्रॉम एल्केन, सेकेंड अपने पास में है फ्रॉम एल्किन। एल्किन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है क्या, एल्कोहल। तो उसमें पहला जो मेथड है, इंपोर्टेंट मेथड है, वो है बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करवाना है, हाइड्रेशन करवाना। या दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, दूसरा नाम हो सकता है हाइड्रेशन, दूसरा नाम क्या है इसका, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन जो करवाना है वो एसिडिक मीडियम में करवाना है आपको, ठीक है। अब उसके पीछे का प्रोसीजर क्या है, सिंपल रिएक्शन हम अगर हम देखते हैं तो कैसे रिएक्शन वेरी करती है वो मैं बात करता हूं। अगर आप किसी भी एल्कोहल के साथ में, ये एल्किन अपने पास में, तो मैंने लिया इथिन, इसके साथ में अगर आपको वाटर का एडिशन करवाना है, तो यहां कहता है कि सर अगर एसिडिक मीडियम अगर आप नहीं डालोगे ना, अगर ये नहीं डालते हो तो कॉमन सी बात है, दोनों की नेचर न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, तो ये दोनों आपस में क्या नहीं कर पाएंगे, इजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर क्या कंडीशन वेरी करती है कि हमें इस कंपोनेंट को इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट करना पड़ेगा ताकि ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पॉसिबल हो सके। तो मतलब उसके लिए हमने क्या करवाया, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में जनरेट करने के लिए हमारे पास में मीडियम, कैसा भी अभी मैकेनिज्म समझाऊंगा, एसिडिक मीडियम ये अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल के अंदर चेंज करता और फिर एडिशन करता। अभी सिंपल मेथड में किसी एक कार्बन पे एच जुड़ जाएगा और एक पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये बन जाएगा इथेनॉल। तो इथिन से इथेनॉल बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये क्या अपने पास में वाटर है, ध्यान रखना मीडियम कैसा है अपने पास में, एसिडिक मीडियम में ये सब काम करवाना है आपको, समझ गए मेरी बात को। तो ये कहानी इस तरीके से वैरी करती है कि किस तरीके से रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाएं, क्या कंडीशन वैरी करती है। अगर यही चीज अगर मुझे अनसिमेट्रिकल में देखना होता है ना, अगर मुझे जैसे मान लो
ये ऊपर वाला एल्कीन तो कैसा है अपने पास में, सिमेट्रिकल है। यही चीज अगर अनसिमेट्रिकल में देखनी होती तो ये क्या मेरे पास में प्रोपीन है, क्या अपने पास में प्रोपीन है। तो प्रोपीन में अगर मुझे वाटर का एडिशन करवाना है, ये नेगेटिव, ये क्या अपने पास में पॉजिटिव। कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम है, एसिडिक। तो यहां पर कौन सा रूल फॉलो करवाना है, तो यहां पर आप जो एडिशन करवाएंगे वो किसके बिहाफ पर करवाएंगे, मार्कोनिकोफ एडिशन के बिहाफ पर। और मार्कोनिकोफ क्या कहता है कि एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे जुड़ता है जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये कैसी साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक। कहां जुड़ेगा, इस वाले पैटर्न पे, ये बनेगा CH3CHOH CH3O2 डिग्री। क्या बना अपने पास में, यहां 2-propane फॉल, किससे, प्रोपीन से। देखो इसको, ठीक है यहां तक। ठीक है भाई, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। सिमेट्रिकल में कहीं भी एडिशन, अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकोफ को याद करो और एडिशन करो। और उसके पीछे भी लॉजिक मैंने वहां पर मैकेनिज्म में, अगर मार्कोनिकोफ रूल, अगर जब आप हेलो एल्किन वाली जब यूनिट के अंदर जब आप टॉपिक में देखोगे तो मैंने सब कुछ समझा रखा है। क्योंकि यहां पर ये जो इफेक्ट है ये प्लस आई इफेक्ट है, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी पॉसिबल हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, और ये डेंसिटी को बढ़ाएगा तो डेंसिटी इधर से इधर बढ़ेगी। तो लेने वाले पे नेगेटिव, देने वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का पोर्शन तो यहां जुड़ेगा और नेगेटिव वाला कहां जुड़ता है, यहां पर। इसलिए यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है, 2 डिग्री एल्कोहल या 2-propanol। अब ये जो प्रोसेस है इसका मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म को मैं और समझाता हूं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉलो करता है। तो हम अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ, इंपोर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म, 3 नंबर में बहुत बार आई हुई है सीबीएसई के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके हम चीजों को समझते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका। वो सर देखो मैकेनिज्म का क्रम, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो अब हम क्या करेंगे सर, मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मैकेनिज्म जो होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। एसिडिक हाइड्रेशन का मैकेनिज्म कितने स्टेप में पूरा है, बस 3 स्टेप में पूरा। तो एक एक करके हम स्टेप को समझते जाते हैं। तो स्टेप नंबर पहला सुनना, पहले स्टेप के अंदर सबसे पहला काम क्या है, वो सर प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। क्या दे रखा है, बस प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का सब, ठीक है, मतलब प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। मतलब इस टर्म में क्या करना, अपने को पहले प्रोटोनेशन करना है वाटर का, उसके बाद में एडिशन करवाएंगे। तो यहां पर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म, एल्कीन टू फॉर्म क्या बनाएगा, वो सर कार्बोकैटायन बाय, कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कैसे करेगा, तो बस ये वाटर है, ये न्यूक्लियोफाइल, मीडियम एसिडिक है, ये अटैक हुआ, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, डेफिशिएंसी आ गई, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लाइक बिहेव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पहले के अंदर, ठीक है। अब इसी स्टेप में क्या करना, अपने को साथ में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, एल्कीन के थ्रू कार्बोकैटायन बनाना है, ठीक है, और H3O का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना था। अब वो इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अपने पास में एल्कीन है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। क्या करेंगे, बहुत सर ये अपने पास में क्या है, प्रोटोनेटेड वाटर मॉलिक्यूल है इसी के अंदर, ठीक है, ये वाला अटैक करेगा इस पे, वाटर एज ए लिविंग ग्रुप हो गया बाहर। तो यहां पर इस तरीके से का मतलब है कि यह देने वाला है और ये क्या, लेने वाला, लेने वाले पे चार्ज नेगेटिव, तो ये एच कहां जुड़ जाएगा इस पे, और यहां क्या आ जाएगा, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां इस फॉर्म में ये अपने आप को चेंज कर लेगा इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर वाटर हो गया बाहर और क्या बन गया, कार्बो कैटायन,
वो भी कैसा डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, बन गया, जनरेट हो गया पहले स्टेप में। स्टेप नंबर सेकंड स्टेप क्या अपने पास में, क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मतलब वाटर का अटैक करवाता है। अब इसी वाटर को हम ऐसे बिहेव किसकी तरह करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो क्वेश्चन ये कार्बोकैटायन अपने पास में है, ये वाटर अपने पास में है, बना ये यहां अटैक करेगा। जैसे वाटर का अटैक होगा, ठीक है, अपने पास में, और ये सारे प्रोसेस कैसे अपने पास में, रिवर्सिबल वाले प्रोसेस, ठीक है। तो वैसे अटैक होगा तो क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, ये बना प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है भाई, ये कहानी इसकी होगी। अब कौन सी बात है, इसको अल्कोहल में चेंज करने के लिए जो एसिडिक मीडियम आपने डाला था उस मीडियम को वापस रिमूव करना है, तो मतलब ये प्रोटोनेटेड को वापस अगर हमें क्या करवाना हो, डीप्रोटोनेटेड, तो स्टेप नंबर थर्ड, तो क्या आएगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ किसका, ठीक है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल, डीप्रोटोनेशन फॉर्म टू फॉर्म एन एल्कोहल, ठीक है। अब वो जो है उसका आप क्या करवाओ, डीप्रोटोनेशन करवाओ, देखो आप इस तरीके से, तो ये डेफिशिएंट है तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी एच से इलेक्ट्रॉन लेगा, और एसिडिक मीडियम जिस फॉर्म में डाला गया था उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये देखो ये हो गया, और हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ये थी मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन का ट्रांस। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी, एक एक चीजों को समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और ये अपने पास में है थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले वाटर को चेंज करेंगे इलेक्ट्रोफाइल में, बिकॉज एल्किन और वाटर दोनों का नेचर न्यूक्लियोफिलिक है, तो दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो किसको बनाया, वाटर को बनाया, किस मीडिया में बनाया, एसिडिक मीडिया में, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। फिर एल्किन का अटैक होगा इसके ऊपर, जैसे अटैक होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, फिर कार्बोकैटायन जनरेट होते ही वाटर अब बिहेवियर किसकी तरह करवाते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल, मतलब हमें बिना प्रोटोनेशन वाला, विदाउट प्रोटोनेशन वाला क्या लेना अपने को, वाटर लेना है, तो जैसे हमने लिया तो ये इस पर अटैक करेगा। अब बनने वाला कंपोनेंट क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, ठीक है, इसकी बात करी हमने यहां पर, ठीक है। तो चीजें आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, नेक्स्ट जो प्रोसेस अपने पास में है वो है इसका सेकेंड टर्म, वो भी एल्किन का है, फ्रॉम एल्किन से हम कर रहे हैं, तो सेकेंड टर्म हम और पढ़ लेते हैं, वो अपने पास में है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो देखो हम उसको कर लेते हैं, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो चीजों को देखो, एक एक करके चीजें हम समझते हैं, कैसे चीजें वेरी करती हैं वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो चीजें थोड़ी साथ साथ में करते जाएंगे तो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, सर अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रोसेस है हाइड्रो, सेकेंड वाला हाइड्रोबोरेशन, तो मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बोरेन कंपाउंड का एडिशन होना है, इसमें दो स्टेप होंगे, और साथ में बाद में क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन करवाना, फिर ऑक्सीडेशन करवाना, और फिर यहां पर एडिशन होगा, तो मतलब ये प्रोसेस जो होगा वो डाइबोरेन की प्रेजेंस में होगा। तो डाइबोरेन जो होती है वैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस डाइबोरेन को अगर सिंपल वे में बदलूं तो मैं इस तरीके से बदल सकता हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। तो अब यही चीज मुझे किस पे करवानी है, वो एल्किन पे करवानी है, तो हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन करवाएंगे तब तो क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस हाइड्रोबोरेशन, फिर बाद में इसका क्या करवा देंगे हम, ऑक्सीडेशन। कैसे होगा तो बता देता हूं, बस ये अनसिमेट्रिकल एल्किन लेना है, ये जिस प्रोसेस को फॉलो करता है उस प्रोसेस का नाम है एंटी मार्कोनिक, प्रोसेस को यह फॉलो करेगा, ठीक है।
मतलब ये BH2, ये नेगेटिव पार्ट, ये पार्ट कैसा है अपने पास में, पॉजिटिव है, ठीक है। कैटलिस्ट के रूप में डालेंगे THF, THF का पूरा नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, फॉर्मूला का भी देखना हो तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है भाई, जैसे कौन सा टर्म अप्लाई करेंगे हम, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन, ठीक है। तो BH2 कहां, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। H कहां जाएगा, वो लेस वाले पे, CH3 CH2 CH2 और ये आ गया BH। अब यहां पर ये पूरा कंपाउंड एज ए न्यूक्लियोफाइल, अब इसका कब तक करवाना, जब तक ये हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए तब तक करवाना है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये वाला, ये बिहेव करेगा नेगेटिव और ये किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव। तो मैंने फिर से क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया, ठीक है, कंडीशन वही THF डाल दिया, वही क्या करवाएंगे, एंटी मार्कोनिकोफ। तो ये बी वाला कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव, तो यहां जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकोफ के अंदर। और एच कहां जुड़ेगा, इस वाले पोर्शन पे, एच यहां और BH कहां, इस वाले कार्बन पे। जैसे ही जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2, ये बी है, एक एच जो था ये वाला, ये कहां जुड़ गया, ये यहां जुड़ गया, और ये कहां जुड़ गया अपना, इस वाले पे, एंटी मार्कोनिकोफ को फॉलो करते हैं, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो दूसरा अपने पास में क्या है, CH3 है, CH2 है और क्या है, CH2 बन गया, दो जुड़ गए। तीसरा एक बार और करवा लेते हैं हम अपने पास में, तो कब तक करवाना, जब तक ही इस बोरिन का सारा एच चला नहीं जाता, वही एंटी मार्कोनिकोफ यहां पर। तो चार सेपरेशन, ये नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, वही चीज। ये एच कहां, जहां पर मोर नंबर, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नेगेटिव वाला कहां, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, वो सर ये तीन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, का ये होल थ्राइस हो गया और ये जुड़ गया बी। समझे मेरी बात को, ये टर्म क्या कहलाया, ट्राई इथाइल बोरेन, ट्राई इथाइल बोरेन। तो यहां तक तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब क्या करवाना है, अब करवाना मुझे यहां पर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन के लिए अपने पास में है वाटर, परोक्साइड डालने हैं, तीन मॉलिक्यूल हटाने के लिए तीन मॉलिक्यूल, बोसर ये H2O2 के डालेंगे, बेसिक मीडियम है और वाटर की कंडीशन में। तो तीन OH का मतलब भाई, इस H2O2 का मतलब क्या है, इस तरीके से HOH, और ये भी कितने मॉलिक्यूल है, बोसर तीन मॉलिक्यूल है। तो तीन OH मतलब H2O2, तो इसमें से तीन OH तो चले जाएंगे बोरोन के साथ में, तो मतलब यहां पर ये वाला क्लीवेज हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीवेज। तो तीन OH तीन इथाइल के साथ में, तीन OH बोरोन के साथ में, जैसे तीन OH इथाइल के साथ में प्रोपाइल के साथ में जाएंगे सॉरी, तो ये तो बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्या बन जाएगा, तीन मॉलिक्यूल का प्रोपेनॉल, ठीक है। और नेक्स्ट बन जाएगा अपने पास में क्या, नेक्स्ट अपने पास में बन जाएगा क्या वाला, नेक्स्ट बनेगा अपने पास में बोरिक एसिड H3BO3, या इसको हम BOH का होल थ्राइस ले सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड, ठीक है भाई। तो मतलब यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना है कि सर, हमें अपने को एंटी मार्कोनिकोफ प्रोसेस के थ्रू चीजें समझानी थी। मतलब जब तक इस बोरोन पे एच रहेगा, इस पे एच रहेंगे, तब तक आपको नंबर ऑफ एडिशन करवाना है एंटी मार्कोनिकोफ। तो एक प्रोपीन लिया यहां पर, दूसरा प्रोपीन ये रहा, थर्ड टाइम ये रहा, तो थर्ड होगा तो कहोगे तीन है, तो तीन को रिप्लेस करने के लिए तीन ही प्रोपीन अपने को एडजस्ट करने पड़ेंगे। जैसे एडिशन करवाया तो ये बना, इसमें भी क्या करवाना अपने को, तो ये तीन मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर क्या करवाएंगे सर, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। तो इसके तीन OH में से तीन OH तो चले जाएंगे बोरोन के साथ में, तो BOH का होल थ्राइस, तीन OH चले जाएंगे इन तीन प्रोपाइल के साथ में, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। और ये काम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, यहां तक किसी इन दोनों प्रोसेस के अंदर, जहां भी आपको लगे कि सर चीजें क्लियर नहीं है, दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछिएगा, समझिएगा,
इंपोर्टेंट है दोनों को, दोनों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एग्जाम, ट्वेल्थ एग्जाम, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोफ, मार्कोनिकोफ वाला पैटर्न तो अक्सर आईआईटी मेंस वगैरह में भी मिल जाता है, नेट में भी मिल जाता है, क्योंकि इसके काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चीजों को समझिएगा, जहां भी लगेगी सर डाउट है, चीजें क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो बचे हुए प्रिपरेशन मेथड है अल्कोहल के, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रिडक्शन की और फ्रॉम ग्रिगनार्ड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबाखैर।